नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। श्रीमाधोपुर में रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई। रसद विभाग की टीम ने जब्त किए 6 फर्मों से 8 सिलेंडर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देश अनुसार 17 सितंबर से 27 सितंबर तक चलाए जा रहे अभियान के तहत घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक दुरुपयोग की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर शरद मेहरा द्वारा गठित टीम के सदस्य तहसीलदार श्रीमाधपुर जगदीश प्रसाद बैरवा व प्रवर्तन निरीक्षक राजेश कुमार द्वारा श्रीमाधपुर शहर में स्थित विभिन्न होटलों फर्मों पर औचक कार्रवाई की गई। प्रवर्तन निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि गुजर की थड़ी व सरस दूध डेयरी से दो दो तथा मिठाई जंक्शन लक्ष्मी फिनी भंडार जीएलटी स्टॉल व साकंबरी फिनी भंडार से एक एक घरेलू सिलेंडर सहित कुल 6 फर्मों से 8 घरेलू सिलेंडर जब्त किए हैं। उन्होंने बताया कि सिलेंडरों को फास्ट फूड मिठाई व नाश्ता एवं अन्य खाद्य पदार्थ बनाने के लिए अनाधिकृत एवं असुरक्षित तरीके से प्रयोग में लिया जाना पाए जाने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस आपूर्ति संबंधी उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन किए जाने पर सिलेंडर जब्त किए गए हैं। कार्रवाई की भनक लगने पर अन्य दुकानदारों ने दुकानों से सिलेंडर हटा लिए। तहसीलदार ने बताया कि भविष्य में भी औचक निरीक्षण जारी रहेगा। आइए सुनते हैं श्रीमाधपुर तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा क्या कह रहे हैं इस कार्रवाई को लेकर। माधोपुर तहसील में प्रवर्तन निरीक्षक और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 6 फर्मों से 8 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। ये सभी फर्में घरेलू सिलेंडर का घरेलू उपयोग कर रही थी, जिसके कारण मौके पर जब्ती कार्रवाई की गई है और अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। भविष्य में भी इसी प्रकार की उच्च कार्रवाई जारी रहेगी। खाद्य विभाग के द्वारा घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग के लिए की रोकथाम के लिए एक कार्रवाई की गई, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन अनुसार टीम गठित की गई है। इसमें आश्री माधोपुर में 6 फर्मों से 8 सिलेंडर जब्त किए और इसकी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। ये अभियान 17 से चालू है जो 27 सितंबर तक चलेगा और आगे भी कंटिन्यूस कार्रवाई पे किया जाएगा।